जो है मेरा कलुआ भाई मुझे लेने आ गया है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना मार्को ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज भोपाल से अपने गांव आ गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा अगल बगल पूरा धान का एकदम पौधा लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को खेत दिखाना चाहूँगी मैं अपने गांव का। तो ये देख सकते हैं आप, यार गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम सुकून, ठंडी हवा। अभी जो है मेरे पापा आए हुए थे और जो इतना भारी सामान था उसको ले गए हैं, बन नहीं रहा था बैठते, इसलिए अभी भाई आएगा लेने मुझे। तब तक मैं पैदल चल रही हूँ, तब तक के लिए सोची वीडियो बनाते जाऊँ। और अब यहाँ से नहीं दिखता है मेरा गाँव, ये तिराहा में, उधर में उतरी थी तिराहा में। और हमारा जो घर है साइड है, वो पीपल का पेड़ है उसके जस्ट उधर साइड, तो हमें उधर जाना है, पर धान लगा हुआ है इसलिए हम लोग उधर नहीं जा सकते। तो रोड जाऊंगी मैं, अभी छांव में बैठ जाती हूँ मैं, क्योंकि अभी भाई आएगा तो क्या मतलब चलना, एनर्जी वेस्ट, सुबह से खाई नहीं हूँ कुछ भी। और आने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ की हमें। ये है मेरा भाई मुझे लेने ये जो है मेरा कलुआ भाई मुझे लेने आ गया है। और अब हम जा रहे हैं घर, ये देखो इसका हाथ पैर कैसे चल। तो आप देखिए हमारे गांव का खेत कितना अच्छा लग रहा है, धान एकदम पूरा हो गया है, कटाई स्टार्ट हो ही जाएंगे दिवाली के बाद से, सब लोग करने लगेंगे कटाई। यहाँ से होता है हमारे गांव का स्टार्टिंग, हमारे गांव का घर देखिए आप सब लोग। अम्मा है ओके नंस। अकेली थी तो कटाई करने में उनको भी दिक्कत जाती, तो साथ साथ में कटाई करते हैं तो उतना ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होता है, जल्दी हो जाता है करके। और मम्मी पापा शाम टाइम ही आएंगे क्योंकि इस टाइम पे सोयाबीन कटाई चल रहा है अपने यहाँ, तो लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो, मतलब अपने यहाँ ऐसा है कि त्यौहार भी सही से नहीं मना पाते हैं कटाई के वजह से। और फिर शाम टाइम आएंगे, उससे पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ, पानी भर लेती हूँ, पानी तो मेरा भाई भर ही दिया है, और मैं बर्तन धुल लेती हूँ, रखी हुई हूँ। इसके बाद नहाऊँगी, इसके बाद रेस्ट करूँगी, मम्मी पापा के आने से पहले खाना बना दूँगी ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ मेरे आने से पहले साफ़ सफाई, खाना पीना हर एक चीज़ बना रहेगा, तो उनको भी अच्छा लगेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुबह से निकल जाते हैं तो दिन भर का थकान एकदम बना रहता है। तो चलिए ठीक है, मैं बर्तन धुल लेती हूँ और खाना बनाया जा रहा है, हाँ। और मांच के भर देते तब भरे हो का से कर कई बार बोले हो होता कस कस के छाया से कर रहे तो कई बार कहो तो कैसे ना हंसू का और आज
आज के बाद मेरा जो व्लॉग रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा फुल सपोर्ट करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, आप सभी को जय जोहार।